दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल टेक्स एंड फैक्ट्स को और क्लिक कीजिए बेल आइकन पे टेक्नोलॉजी से जुड़े लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमन सचान और आपका मेरे चैनल टेक्स एंड फैक्ट्स में एक बार फिर से बहुत स्वागत है। दोस्तों जैसा कि आप लोगों ने टाइटल पढ़ ही लिया होगा, आज हम लोग अनबॉक्सिंग करने जा रहे हैं जो एक ट्राईपॉड का स्टैंड आता है। मतलब जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा ट्राईपॉड में हमेशा DSLRs या फिर कैमरेज फिक्स होते हैं, तो बहुत सारे लोगों का ये क्वेश्चन भी था कि क्या ट्राईपॉड में स्मार्टफोन भी अटैच हो जाते हैं। तो हाँ ऐसा होता है, बट उसके लिए अलग से आपको एक स्टैंड की ज़रूरत पड़ेगी, मींस आपको एक होल्डर ख़रीदने की ज़रूरत पड़ेगी। इसको मैंने अमेजन से मंगाया है, इसकी कॉस्ट मुझे 125 रुपये पड़ी है, 125 रुपये, और डिलीवरी चार्ज कुछ भी नहीं लिया उसने। तो ये चीज़ मुझे इसकी बहुत अच्छी लगी, तो 125 रुपये का इसको मैंने मंगाया है। तो इसको कैसे फिक्स करते हैं और कितना कैसा होता है, तो आज हम लोग उसी की बात करने जा रहे हैं। मैंने बॉक्स को यहाँ से, ये पैकेट को यहाँ से कट कर दिया ताकि टाइम वेस्ट ना हो। चलिए हम लोग देखते हैं इसके अंदर है क्या। तो इसके अंदर ये है, इस पर साफ साफ पता नहीं आपको दिख रहा है कि नहीं, मैं थोड़ा फोकस करता हूँ इस पर। आप लोग रेट देखिए, 650 रुपये लिखा है सेल्फी क्लिप, बट ये सिर्फ मुझे 125 रुपये की पड़ी है, तो रेट पर मत जाइए। चलिए ओपन करते हैं इसको हम लोग। तो ये है सेल्फी क्लिप जिससे हम लोग ट्राईपॉड पे अपने स्मार्टफोन को अटैच कर सकते हैं। तो कैसे किया जाता है और क्या लेंथ होती है, ये आपको देखने में बहुत छोटा लग रहा है, बट 3.5 इंच से लेकर 5.5 इंच और 6 इंच तक, मतलब 6 इंच तक, 3.5 इंच से लेकर 6 इंच तक सारे स्मार्टफोन्स इसमें लग सकते हैं। इसमें स्प्रिंग लगी होती है जो कि स्ट्रेचेबल होती है, ये ऐसे स्ट्रेच हो जाती है। मैं आपको एक एग्जांपल के उस पर दिखाता हूँ। ये मेरे पास इस टाइम जोलो ब्लैक स्मार्टफोन है, इसकी स्क्रीन साइज 5.5 इंच है, तो मैं इस पर अटैच करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पे ऐसे अटैच किया जाता है इसको, और इस पर जो ये ग्रिप लगी होती है ये रबर की होती है, और ऊपर साइड भी फोम लगा होता है, तो फ़ोन में कोई भी स्क्रैच या फिर कोई भी दिक्कत नहीं आती है। तो मैं इसको अटैच करता हूँ, तो देखिए 5.5 का था फिर भी ये स्ट्रेच होके लग गया इस पर, और ये मैं सेट कर देता हूँ। तो ये आप देख सकते हैं लग गया है, और इस पर मुझे कैमरा भी एकदम साफ साफ कैमरे के सामने नहीं आ रहा है। तो अब मैं इसके ऊपर ऐसे करके स्टैंड पे लगा सकता हूँ। तो ट्राईपॉड, अगर आप लोगों ने ट्राईपॉड, ऑब्वियस ही बात है, अगर आप लोग ये वीडियो देख रहे होंगे तो आप लोगों के पास ट्राईपॉड होगा और आप लोग ढूंढ रहे होंगे। तो आप सभी जानते हैं ट्राईपॉड पे ये एक एक्स्ट्रा प्लेट दी जाती है, एक्स्ट्रा नहीं तो ट्राईपॉड के ऊपर ये प्लेट लगी होती है। तो इस प्लेट के ऊपर ऐसे रिंग्स लगी होती है रोटेटेबल, जो कि हम लोगों के DSLR या फिर कैमरे के बॉटम साइड पे अटैच हो जाती है। तो सेम चीज़ यहाँ भी करनी है आपको। ये जो रिंग है, इस रिंग को आपको इस पर अटैच करना, मीन्स इस पर ऐसे रिंग बनी होती है, देखिए मैं करके भी बताता हूँ आपको। ये यूनिवर्सल साइज़ की होती है, हर रिंग पे अटैच हो जाती है, तो आप देख सकते हैं ये ऐसे अटैच हो गई। तो ये अब हो गई, अब ये चीज़ ट्राईपॉड पे लग जाती है, आप सभी को पता है। तो ये आप ऐसे उस पर अटैच कर सकते हैं। तो दोस्तों बस अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही, सिर्फ अनबॉक्सिंग और कैसे लगता है। अगर आप लोगों को देखना है कि हम लोग इसको ट्राईपॉड पे अटैच कैसे करते हैं, तो इसके जस्ट 15-20 मिनट बाद मैं एक और वीडियो अपलोड करूँगा, उस पर मैं बताऊँगा कि इसको ट्राईपॉड पे कैसे अटैच करते हैं विद ट्राईपॉड, मीन सामने मेरा ट्राईपॉड होगा और मैं ट्राईपॉड पे लगा के दिखाऊँगा और वीडियो शूट करके भी दिखाऊँगा। तो दोस्तों बस आज के लिए इतना ही, अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करना मत भूलिएगा, और अगर मेरे चैनल टेक्स एंड फैक्ट्स को अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ नीचे जाकर सब्सक्राइब कीजिए, या फिर आपके चैनल में मेरे आपकी स्क्रीन में मेरे चैनल का लोगो भी बन के आ रहा होगा, तो आप लोग उस पर क्लिक करके भी मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो नमस्कार, धन्यवाद।